दोस्तों यह है एक फ्लेक्सर सेंसर जो कि रोबोटिक्स आर्म में बहुत काम आता है। दोस्तों देखा जाए तो ये आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर इजीली मिल जाएगा, पर ये अपने हाथों से आज हम बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए आप ग्राफाइट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरे पास वो अभी नहीं था इसलिए मैंने पेंसिल का इस्तेमाल कर लिया। और ये बैटरी के अंदर से हम ये कॉपर फॉइल को निकल लिया। आप एल्युमिनियम फॉइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कॉपर फॉइल थोड़ा बेहतर रहेगा। दोस्तों देखा जाए तो बायोलॉजिकली हमारे हाथों और पैरों में ये वाला सेंसर होता है, रिक्टर फेमोरिस और फ्लेक्सर डिजिटोरियम। दोस्तों जब ये सेंसर को बेंड करूंगा और जब इसको रिलीज कर दूंगा तो आप इसका रेजिस्टेंस मल्टीमीटर पर देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो BC547 NPN ट्रांजिस्टर की मदद से हम एक सर्किट बना लिया और इस लाइट को ग्लो कर दिया ताकि आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओ कि ये सेंसर कैसे काम करता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं चुटकी बजाकर आपके जिंदगी का सब दुख दर्द खत्म कर दूंगा।